वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, एक नोटिस निकल के आई है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से। तो देख सकते हैं ये हाई कोर्ट का है, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय रांची। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में चपरासी, सफाईकर्मी, फरास एवं रसोइया के रिक्त पदों के लिए वेतनमा, जिनका वेतनमा ₹18,000 से ₹56,000 तक, इसका पेमेंट है 18,000 से स्टार्ट है और 56,000 तक है। लेवल वन सीधी भर्ती है, तो योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये विज्ञापन की विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप झारखंड उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.jharkhandhighcourt.nic.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट में जाके आप चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड। आ गया है झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 को अपराह्न 5 बजे तक है। तो आप लास्ट डेट आपका है आवेदन करने का 20 सितंबर 2023 को 5 बजे तक लास्ट है। और ये ऑफलाइन मोड में आपको इसको स्पीड पोस्ट ऑफिस द्वारा करना है ऑफलाइन मोड में। तो देख सकते हैं ये झारखंड उच्च न्यायालय रांची विज्ञापन संख्या 2 स्थापना 2023। झारखंड उच्च न्यायालय में वर्गीकृत चतुर्वर्गीय पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवार से स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें खुद से आपको लिखना है और आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको भेजना है। तो देख सकते हैं आपका चपरासी में आपका कुल अनारक्षित है 15, अनुसूचित जाति के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वन के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 2 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 4 है और महिला के लिए 1 है। और इसमें अनारक्षित में और अनुसूचित जाति में भी 1 है। खेलकूद के लिए 1 है, अंधापन और कम दृष्टि के लिए 1 पोस्ट है, बहरापन एवं श्रवण निसंगता के लिए 1 पोस्ट है। तो इस टाइप से पोस्ट है। सफाईकर्मी के लिए भी देख सकते हैं आप, टोटल इसमें 38 है और योग के इसमें भी देख सकते हैं इसमें 38, इसके 10 है। फरास के लिए भी कुछ सीटें हैं, रसोइया के लिए भी है। और आपका चपरासी के लिए है 18,000 से 56,900 के बीच में, मैट्रिक या समकक्ष मैट्रिक किए हैं या फिर उसका और आगे भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। सफाई कर्मी के लिए के भी पेमेंट 18,000 से 56,900 के बीच में है। तो ये 4 पोस्ट है फ्रेंड। उपरोक्त पदों के लिए साइकिल चलाना का ज्ञान महिलाओं एवं दिव्यांग के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि दिव्यांग है तो आपको साइकिल चलाने का जरूरी, मतलब साइकिल का ज्ञान नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि दिव्यांग लोग तो नहीं चला पाएंगे सब कोई। उपरोक्त पदों का अनुभव प्राप्त किए हुए उम्मीदवार का प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए स्वलिखित होना चाहिए, मतलब खुद से लिखा हुआ होना चाहिए। आपको किस टाइप किस फॉर्म में आपको लिखना है, साफ साफ राइटिंग से लिखना है। आयु सीमा आपका 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 1/7/2023 के आधार पर की जाएगी। आयु सीमा कब से 1/7/2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका जितना भी है चलेगा, 60 से कम ही होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष है पुरुष या महिला, सभी कोटा अपना अपना अलग अलग दिया गया है। शुल्क इसमें आपको ₹200 उम्मीदवार के लिए है ना, डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको ₹200 लगेगा और आपका जितना आपका पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस द्वारा उसी में जो जितना खर्च है ज़्यादा नहीं है उसमें। इसमें लिफाफा में आपको भर के देना है। देख सकते हैं इस टाइप का आपका फॉर्म होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप इस टाइप से होगा, पद के नाम के आगे का निशान लगाएं, पद के आगे किस पद में आप टिक लगाना, किस में जाना चाहते हैं उसको टिक लगाना है। सफाई कर्मी में जाना चाहते हैं तो सफाई कर्मी, चपरासी में चपरासी में, फरास में तो फरास, रसोइया में तो रसोई। आवेदन का नाम इस टाइप से ही लिखना है, हिंदी में पहले लिख लेना है साफ साफ, फिर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है बड़े अक्षरों में।
फिर पिता का नाम लिखना है, फिर जन्म तिथि आपको लिखना है, तारीख माह और वर्ष, फिर दिनांक 1/7/2023 को आवेदन की आयु, 1/7/2023 को आपका उम्र कितना होता है उसको भी लिखना है, यहाँ जन्म स्थान कहाँ है उसको लिखना है, अस्थायी पता पिन कोड के साथ आपको देना है यहाँ, और पत्राचार का पता यहाँ लिखना नीचे में, फिर राष्ट्रीयता, दूरभाष नंबर यानी कि मोबाइल नंबर भी भरना है, शैक्षणिक योग्यता कि आपको यहाँ लिखना है कितना तक आप पढ़े हुए हैं अभी, और किस में कितना अंक लाए हैं, मैट्रिक में कितना अंक लाए हैं, इंटर में कितना लाए हैं, ग्रेजुएशन जिसमें आप हैं उसको लिख लेना है, विशेष योग्यता एवं अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र, और भी कुछ आपको नॉलेज है जैसे कंप्यूटर का नॉलेज है, ज्ञान है, तो कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट कुछ वहाँ चिपका सकते हैं। कोटी में आपको यहाँ जो कोटी में है आप उसको टिक लगा के यहाँ लिख दीजिएगा, और लिंग में आप यहाँ स्त्री है तो स्त्री लिखेंगे, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, मेल फीमेल ये सब, और ये सब भरते जाना है, और घोषणा पत्र ये सब आपको सेम टू सेम इसी टाइप के लिखना है, A4 साइज़ का कॉपी पेज ले लेना है, A4 साइज़ का, उसी पेज में आपको ये सब लिख के आवेदक का हस्ताक्षर लास्ट में यहाँ कर देना है। यही इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड, तो जिसको जिसको भरना है जो जो विद्यार्थी को आप भर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप खुद से लिख सकते हैं जिसको भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।